सर मैं किशनलाल सांचौर से हूँ, गुजरात के नज़दीक हूँ और यहाँ से 700 किलोमीटर पड़ता है। 18 तारीख से मैं यहाँ इधर धरने पे पड़ा हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ। मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई में मैं ठीक था, तो भाइयों ने ट्वेल्थ करा दी। ट्वेल्थ के बाद में मैं नर्सिंग के लिए गया, तो मैंने बेंगलोर से नर्सिंग की, तो वहाँ फीस होती है कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो जैसे तैसे करके वो सब भाई अलग हो गए, अपना अपना परिवार संभाल रहे थे। मुझे बोला कि हमसे ये होगा नहीं, मैंने बोला मुझे करना है और मैं करूँगा। तो मेरे माँ बाप और मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी भैंस, दो भैंसें थी, वो बिक गई और मैं ट्रेनिंग करके 2007 कैडर का हूँ। 2007 में भर्ती निकली, वसुंधरा सरकार ने निकाली थी 7900, तो वो भर्ती पूरी हुई, उसका रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो कई जो बाकी रह गए थे उन्होंने कोर्ट में केस लगा दिया और भर्ती अटक गई। वो केस चलते चलते 2016 आ गया, 9 साल केस चला। 9 साल में हमारे पैसे भी लगे, वकील रखे हमने, और 2016 में हमें जीत मिली। तो जीत मिली तो सर सरकार ने बोला कि हम 7900 देंगे। 7900 में नौकरी की 16 से लगा के आज दिन, और 2007 से 16 तक मैं बेरोजगार रहा। मेरे बच्चे हैं तो उनको मैंने खुद पढ़ा के तैयारी करवा के और नवोदय भिजवाया। वो बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं, इसलिए तो मेरा घर चल रहा है। और साथ में खेती है, तो खेती से मेरा काम हो जाता है। भाई सब अलग गए, माँ बाप गुजर गए, अब कोई नहीं है मेरा। मतलब इस भर्ती में अब लास्ट उम्मीद में मेरी 46 साल उम्र हो गई है, और ये भर्ती मेरे लिए और लास्ट है मेरे ज़िंदगी के लिए। अब सरकार ये चाहती है कि इनको नियुक्ति नहीं दे, तो सरकार की मर्ज़ी है। बाकी अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहीं पड़े रहेंगे। घरवाले पैसे मांगते, तो हमारे पास पैसे देने के लिए क्या, हमारा डेली का तो यहाँ 1000 रुपये का खर्चा है। कौन सी होटल खाना खिलाती है जो 100 रुपये से कम खिलाती है? फिर भी हम पढ़े हैं इकट्ठा करके, जैसे तैसे करके चंदा करके हम ये यहाँ अभी पढ़े। अभी सरकार से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि हम आपको नियुक्ति देंगे। प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है और हमें रोक रखा है। अभी दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार ने कहा कि हमें आपको नियुक्ति देंगे, हमें रिपीट करो। तो अब रिपीट करना मेरे बस में थोड़ा ही है। सरकार चेंज हो गई, अब ये मंत्री साहब, इनसे हमारी गुजारिश है कि आप तो कर दो कुछ, आपका भला होगा, हमारे परिवार का आपका साथ आशीर्वाद मिलेगा, और आगे हम आपका और सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, और हम साथ चाहते हैं कि ये शासन चले, मतलब अच्छा शासन चले। बीजेपी कह रही है कि हम सुशासन ला रहे हैं, अब सुशासन कहाँ हो गया आपका? अब मैं चाहता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी 99% काम हो चुका है। ये बोल रहे हैं कि वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं है, वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना तो पद नहीं निकलते। 8750 पद हैं, उनकी प्रोविजन सूची जारी हो सके, सारे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, हमने यहाँ आके वेरीफाई करवाए, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, और बता रहे हैं कि इसमें फर्जी है। फर्जी है, उनको निकाल दो, जाँच कर लो। 4 महीने हो गए आपके पास, सीबो के पास में 4 महीने हो गए ये डॉक्यूमेंट जाँच करवाए, इन्होंने करवाए क्यों नहीं? मतलब इनको या तो इनको मतलब करनी नहीं है, और करनी है तो करो जल्द, सूची जारी करो, आज करो, अभी करो। हमें तो यही वजलाल सरकार से और खिमसर साहब राजा जी से निवेदन है कि आप हमारी जल्दी नियुक्ति दे दो, आपका भगवान भला करेगा। बस यही कहता हूँ।